हेलो अंजनी, हेलो अंजलि, हेलो जूली, हेलो भारतीय भाई। हूँ, क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है सबके? हेलो मनीष, हेलो सलीम। चलिए फटाफट से सब लोग आ जाइए, हम लोग टेस्ट शुरू कर देंगे। फुल नेम टेस्ट है। सभी लोग फटाफट आइए। हेलो रिमी, हाउ आर यू? जो लोग भी क्लास में एंटर है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है? खुश रहिए मनोज, मनीष, याद रखिएगा आज फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है? फुल लेंथ टेस्ट में 150 क्वेश्चन आएंगे, तो कोशिश कीजिए एग्जाम को बीच में स्किप ना करें। हेलो पुष्पा, हाउ आर यू? हेलो रूपम, हाउ आर यू? हेलो सोनू, हेलो चांदनी, हाउ आर यू? चलिए हम लोग क्वेश्चन क्लास स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान रखिएगा 150 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 140 से 150 क्वेश्चन आएंगे। फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है। एक क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। जिनको भी क्लास करना है वो अकेडमी से क्लास कर सकते हैं, ये फ्री क्लासेस है। मानव द्वारा, हेलो अमित, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? गेहूं था, चावल था, जौ था, बाजरा था। हेलो अश्विन, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। हेलो अंशु, फटाफट आइए, ये स्टार्ट हो रहा है, टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा फिर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? हेलो आयुषी, 1 मिनट देख लेते हैं, और 3 मिनट हुआ है, 4 मिनट तक, 5 मिनट तक देख लेते हैं, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो बता दें आप लोगों को कि जो भी यूट्यूब से क्लास कर रहे हैं वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। गूगल में बीपीएससी सेलेक्ट करके इस कोड को के थ्रू यहाँ पे आज क्लास में, ये क्लास फ्री चल रहा है, यहाँ से ही लाभ, ये लाइव क्लास यहाँ से स्ट्रीम किया जा रहा है। हेलो विकास, तो अभी क्लास स्टार्ट हो जाएगा, बैक टू बैक 150 क्वेश्चन आएंगे। हेलो अंजलि, जिसके आपको आंसर करने हैं, और हर एक क्वेश्चन के आपको कौन सा क्लास भारती, हेलो अनामिका, गुड इवनिंग, कौन सा क्लास भारती प्लस पे, क्या बोल रही है, क्या प्लस के लिए, क्या आप भारती प्लस पे हैं ऑलरेडी? आप प्लस पे हैं? अच्छा, तो हेलो सजित, नेक्स्ट मंथ से आ जाएगा बैच मेरा, हम मैसेज कर देंगे सबको ग्रुप में। हेलो बीरेंद्र, डोंट वरी, मैसेज कर देंगे। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत लोग आ गए क्लास में, क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो नेहा, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? गेहूं था, चावल था, जौ था, बाजरा था, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से। हेलो दिपेश, हेलो सर्वेश, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 15 सेकंड का पोल है, अभी 5-6 क्वेश्चन के बाद पोल का टाइम 10 सेकंड कर देंगे, ठीक है? क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है, पोल का टाइम 10 सेकंड कर देंगे, उसी में आंसर करना है। अभी 2-3 मिनट के बाद पोल का टाइम और कम कर देंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाजरा। बाजरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य थे, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे, बुद्धकालीन शासक थे। हेलो ट्विंकल, बुद्ध के एक गुरु थे, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए सही जवाब क्या होगा। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन के बाद क्लास की टाइमिंग 15 सेकंड के जगह 10 सेकंड कर देंगे, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को टच कर लें, टाइम कम है। इसका सही जवाब हो जाएगा बुद्ध के एक गुरु थे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा पहले,
बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध चार स्थानों को का नीचे उल्लेख है। इस दोनों स्तंभ को मिलाना है आपको। जन्म सारनाथ, ज्ञान की प्राप्ति बोधगया, प्रथम प्रवचन लुम्बिनी, निधन कुशीनगर को सही सही मिलाना है। ऑप्शन है 1, 2, 4, 3, 2, 3, 1, 4 या 3, 2, 1, 4 या फिर 1, 2, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हेलो हेलो नारायण, चलिए आंसर कीजिए फटाफट। इसमें एलिमिनेशन करना होता है, एक एक को आप छांट लेते तो सारे का आंसर आ जाता। इसका सही जवाब क्या हो? हेलो प्रियंका, हेलो रोहन, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3, 2, 1, 4। अगर एक को आप छांट लेते तो 1 का 3 डूबी तो बाकी सारे आंसर आपके मिल रहे थे। अगला क्वेश्चन, प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का है? वृत्ताकार है, अर्धचंद्रकार है, त्रिभुजाकार है, आयताकार है, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। हेलो आरती, हाउ आर यू, बताइए सही जवाब क्या होगा। 5 क्वेश्चन के बाद टाइमिंग 10 सेकंड हो जाएगा, ठीक है? ये भी 4 है, 1 क्वेश्चन के बाद टाइमिंग 10 सेकंड कर देंगे, आपको उसी में आंसर करना है। हेलो नीतीश, इसका सही जवाब हो जाएगा अर्धचंद्रकार। और आप लोग ध्यान रखिएगा, कल और परसों कोई क्लास नहीं है, कल सिर्फ एक क्लास होगा प्लस में, उसका टाइमिंग हम ग्रुप में सेंड कर देंगे। एंड 28, 29, 30 और 31 ये 4 दिन जो है आपके दरोगा के फुल लेंथ टेस्ट है, ठीक है? दरोगा के फुल लेंथ टेस्ट है दिन में 10:30 बजे। इसका लिंक हम ग्रुप में भेज देंगे, आप लोग इसको नोटिफाई में कर लीजिएगा, ठीक है? सबको भेज देंगे, डोंट वरी। जिनको भी प्लस ज्वाइन करना है वो इस कोड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगले महीने से मेरा बैच आ जाएगा प्लस पे, इसके लिए बीपीएससी के लिए, इस दरोगा नए 2021 में जो होने वाले हैं दरोगा, उसके लिए नया बैच भी आ जाएगा, तो प्लस पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक शिलालेख, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताइए सही जवाब क्या होगा। 68% आंसर, बहुत कम आंसर, आंसर और अधिक होने चाहिए थे, अभी भी बहुत कम आंसर है, आंसर इसके और होने चाहिए थे। जब भी पूछा जाएगा पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में तो आप करेंगे आंसर इंडिका का। हेलो शेफाली, नहीं गया पोल, नहीं जा रहा सबको पोल में, किसी को प्रॉब्लम हो रही है क्या? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल के कहलाता है? अनारकली का मकबरा, इजमादुद्दौला का मकबरा, रबिया उद्दौरानी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताइए सही जवाब क्या होगा। अब से 10 सेकंड का पोल है, 10 सेकंड में आंसर करना है सबको, ओनली 10 सेकंड, विद इन 10 सेकंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रबिया उद्दौरानी का मकबरा, इसको द्वितीय ताजमहल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था? शहनाई पील था। हेलो लवली, वेरी गुड, इसका सही जवाब हो जाएगा मीर बख्शी। अब कौन है भाई डीए? निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताइए सही जवाब क्या होगा। आपको पोल नहीं मिल रहा है, और किसी को पोल नहीं मिल रहा, ऐसी दिक्कत किसी और को हो रहा है, और किसी को प्रॉब्लम हो रही है पोल का? पोल का प्रॉब्लम किसी को नहीं हो रहा ना? एक बार नेहा आप रिफ्रेश कर लीजिए या फिर रीलॉग इन कीजिए, सही हो जाएगा, नेट का प्रॉब्लम हो रहा होगा, नेट की प्रॉब्लम हो रही होगी और कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, रिफ्रेश कर लीजिए सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति किस एक से संबद्ध है? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, हेलो विनीता, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। विद इन 10 सेकंड आपको आंसर करने हैं सारे क्वेश्चन के। आज देखते हैं कि आपका रैंक क्या है, कितने रैंक पे आते हैं, अब खुद पता चलेगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए अध्ययन किया था या किस के लिए आया था? तक्षशिला, विक्रमशिला,
हेलो दिव्या, हेलो कृष्णा, मगध, नालंदा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताइए सही जवाब क्या होगा। पास कीजिए। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग जो आया था वो कहाँ आया था? वो आया था नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, हेलो रीना। चलिए आप लोग को लीडर बोर्ड दिखाते हैं एक बार। लीडर बोर्ड, हेलो सोनी। सदाम फर्स्ट पे है, सेकंड पे रूमी है, थर्ड पे अमित है, फोर्थ पे वीरेंद्र है, फाइव पे अंजलि है, सिक्स पे अंजनी है, सेवन पे विकास है, एट पे दीपेश है, नाइन पे मनीष और टेन पे सोनू है। ठीक है, 40 क्वेश्चन आपके आएंगे हिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन आएंगे आपके साइंस के, 30 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर्स के, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल, पॉलिटी, सारे क्वेश्चन मिला के आएंगे। फिर आगे से अगला क्वेश्चन, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे, हेलो रंजीत, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। नालंदा अशोक स्तंभ, सारनाथ विश्वविद्यालय, सांची सूर्य मंदिर, कोणार्क स्तूप। ऑप्शन है 1 2 4 3 या फिर 2 1 4 3 या फिर 1 2 3 4 या फिर 2 3 4 1। हेलो श्रेया, हाउ आर यू? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। सब लोग कमेंट में आंसर करते, सॉरी पोल में आंसर करते फटाफट, और आपको 10 सेकंड के अंदर आंसर करना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2 1 4 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसे? ऐबाज को, नसुद्दीन महमूद को, अली मर्दान को, मलिक जानी को, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। हेलो सिद्धार्थ, हाउ आर यू? क्योंकि आपका ये फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है, ज्यादा क्वेश्चन है, 150 के लगभग क्वेश्चन है, तो उसमें आप कवर नहीं कर पाइए, इसलिए 10 सेकंड के अंदर पोल करा रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मलिक जानी, मलिक जानी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर सर्वप्रथम, सॉरी प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1532 में, 1530 में, 1533, 1536, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। चलिए आंसर बताइए। नेक्स्ट मंथ से, जनवरी से मेरा न्यू बैच आ जाएगा दरोगा स्पेशल के लिए। जिनको भी प्लस ज्वाइन करना है, इस कोड को यूज करें और प्लस को सब्सक्राइब कर लें और 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको वहां पर। इसका सही जवाब हो जाएगा 1532 ईस्वी में। ठीक है, बाकी जो भी क्लासेस आएंगे प्लस के और भी जो फुल लेंथ टेस्ट आएंगे दरोगा के, 28 29 30 31, हम ग्रुप में सेंड कर देंगे। सब लोग उसको एनरोल कर लीजिएगा, मतलब नोटिफाई मी कर लीजिएगा और वो टेस्ट जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल के सिक्के टंका, सशगनी एवं जीतल किन धातुओं के थे? चांदी, चांदी, तांबा, सोना, चांदी और तांबा, चांदी, जस्ता और तांबा, सोना, जस्ता और तांबा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जिनको भी कोई दिक्कत हो रही है प्लस ज्वाइन करने में, नहीं समझ में आ रहा है, ज्वाइन करना है तो हमको पूछ लीजिएगा, हमको बता दीजिएगा। इस ईयर को खत्म होने से पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा, ऐसा नहीं हो कि ईयर खत्म हो जाए और आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाए और प्राइस बढ़ जाए। ठीक है, बहुत लोग हैं क्लास में, आपको बता देंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा चांदी, चांदी और तांबा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? लोधी वंश का, सैयद वंश का, तुगलक वंश का, खिलजी वंश का, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताइए सही जवाब क्या होगा। हेलो पूनम, जिनको भी प्लस ज्वाइन करना है, कोई दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ कंफ्यूजन है तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। बहुत लोग हैं क्लास में, आपको सब बता देंगे। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सैयद वंश। तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा के संस्थापक गुरु थे कौन? हर राय, हरकिशन, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताइए सही जवाब क्या होगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, उसका बताना है आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। आज की क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे, पामस्टन थे, एटली थे, ग्लेडस्टोन थे, इनमें से कोई नहीं या फिर थी। ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इसको प्लस में पढ़ा चुके हैं, तो जो लोग प्लस में क्लास किए वो गलत नहीं कीजिएगा काइंडली।
देखिए क्वेश्चन यहां पूछ रहा है, कैसे पूछा क्वेश्चन, सेट में क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौन थे। इसका आंसर कोई नहीं जानते, 0% आंसर है। आपको नहीं पता है कि 1857 की क्रांति के समय पाम्सटन थे, पाम्सटन का आंसर होगा। अब हम कैसे बताएं और कैसे समझाएं, कितना बार इस क्वेश्चन को करा चुके हैं, प्लस में पढ़ा चुके हैं, फोकस हर हाल में आप यू करना, मेरे बोलने से लाख बोलने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप खुद से फोकस नहीं करेंगे। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर गफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो या ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। सही बात है, सही बात है, इसका आंसर क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा यस, राजा राम मोहन राय आ गया था, नीतीश आ गया था आंसर, शो किया फिर, डोंट वरी, जिन्होंने दिया था उसका आंसर शो किया कि बहुत कम पोल में आया। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी, आपको बताना है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यंग बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, इनमें से कोई नहीं या फिर एक, आपको बताना है प्रमुख कौन थी, नॉट की विलय हुआ था वो नहीं बताना है। चलिए फटाफट कीजिए, 28, 29, 30, 31 दिन में 10:30 बजे दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट आएगा, सब लोग क्लास जरूर कीजिएगा, हम ग्रुप में सेंड कर देंगे। चलिए सही जवाब हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, ठीक है, हम आपको दिखाते हैं लीडर बोर्ड में, वेट, सतम फर्स्ट पे है, सेकंड पे वीरेंद्र है, थर्ड पे विकास है, फोर्थ पे रूमी है, फाइव पे अंजनी है, सिक्स पे सोनू है, सेवन पे अमित है, एट पे मनीष है, नाइन पे अंजलि प्रताप है, टेन पे दीपेश है, बाकी सब लोग अपना अपना रैंक शो कर लीजिए। एक बार अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा है, गोवर्धन राम एम त्रिपाठी, मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है या फकीर मोहन सेनापति या भारतेंदु हरिश्चंद्र या इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अंधेर नगरी चौपट राजा किसने लिखा है बताइए, बोल मैं आंसर करते जाइए। ये फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है लगभग 150 क्वेश्चन का, इसका सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। हेलो साकिब, हाउ आर यू। अगला क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्रदान अधिकार मिला, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 84 का पिट्स एक्ट, 86 का एक्ट, 1813 का एक्ट, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। हेलो ईशा, हाउ आर यू, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हेलो राखी, फटाफट आंसर कीजिए, ये आपका फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है, ठीक है, कल कोई क्लास नहीं है, परसों 28, 29, 30, 31 चार दिन आएगा दरोगा फुल लेंथ टेस्ट दिन में 10:30 बजे, और जिनको भी प्लस ज्वाइन करना है वो इस कोड को यूज करें और फटाफट से प्लस पे आ जाएं, नेक्स्ट मंथ से न्यू बैच आ जाएगा। इसका सही जवाब होगा 1786 का एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर यू राखी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था, हेलो कीर्ति, हाउ आर यू, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए सही जवाब क्या होगा। सब लोग नोट कर लीजिएगा, मेरा दिन में क्लास पर डे 10:30 बजे पर डे आता है, ठीक है, पर डे आता है, जो कल और परसों नहीं होगा एग्जाम को लेके, और 28, 29, 30 और 31 दिन में 10:30 बजे दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट है इसी टाइम में, ठीक है, दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट जिनको देना है दे सकते हैं दिन में। इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। हेलो संगीता, अभी हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, आगा खान, नवाब सलीमुल्ला ने, लियाकत अली खान ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, सही जवाब क्या होगा। नेट का प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को, नेट का इश्यू चल रहा है शायद इसलिए लोगों को प्रॉब्लम हो रही है।
क्यों होगा सही जवाब? नेट सबको पोल जा रहा है क्या? गुड इवनिंग मधु, हाउ आर यू? पोल जा रहा है सबको, एक बार बता दीजिए पोल सबको जा रहा है कि नहीं जा रहा है? किसी को प्रॉब्लम हो रही है पोल में? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम ना। इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद अली जीना। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से, हेलो राहुल, निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते लेकिन अस्त्र नहीं उठाते? ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एम ए जीना, बी डी सावरकर, चर्चिल, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक सदी? बताइए सही जवाब क्या होगा। पोल तो दिया था मैंने अभी। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी बी आर अम्बेडकर ने कही थी। ठीक है अगला क्वेश्चन। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन लोगों ने, हेलो आदित्य, महात्मा गांधी का साथ दिया था? वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जवा नेट, एक बार शेफाली नेट को चेक कीजिए अपने आप, थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए और रीलॉग इन कीजिए, सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई और मणिबेन पटेल, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक? जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है वो रिफ्रेश कर लीजिए, सही हो जाएगा। बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। नेट का इशू है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। ये फुल लेंथ टेस्ट है, सब लोग क्लास में रहिए, क्लास को स्किप नहीं कीजिएगा, 150 क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसमें। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? 27 में, 28 में, 29 में, 31 में, या इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक? बताइए कब आया था भारत। सब लोग आंसर करते जाएंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आ गया था 1928 में। कब आया था? 1928 में भारत आ गया था। हेलो प्रशांत, व्यू। अगला क्वेश्चन है, क्या सबको प्रॉब्लम हो रही है? किसी को आवाज की, किसी को साउंड की, पोल की, सबको प्रॉब्लम हो रही है क्या अभी? जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है रिफ्रेश कर लीजिए, रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। हेलो अभिनव, एक बार रिफ्रेश कीजिए, ठीक हो जाएगा। सब रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। जिनको जिनको प्रॉब्लम हो रही है रिफ्रेश कीजिए, ठीक हो जाएगा। लखनऊ, लाहौर, अलाहाबाद या कराची, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक? बताइए सही जवाब क्या होगा। जो लोग YouTube पे क्लास कर रहे हैं वो अनअकैडमी पे आ जाइए, ये क्लास यहाँ से लाइव हो रहा है, आप यहाँ से लाइव क्लास भी कर सकते हैं। क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा अलाहाबाद। एक मिनट होल्ड कीजिए, मे बी प्रॉब्लम हो रहा है नेट से, एक मिनट होल्ड कीजिए। वेट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? 1920 में, 1924 में, 1928 में, 1930 में, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक? बताइए सही जवाब क्या होगा। हेलो फरहाना, हाउ आर यू, क्या हाल चाल है? जो लोग यूट्यूब पे क्लास कर रहे हैं वो अनअकैडमी पे आ जाइए, यहाँ से लाइव क्लास चल रहा है। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, गोल में बीपीएससी सेलेक्ट कीजिए, इस कोड को लगाइए और यहाँ पे आ जाइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1924। अगला क्वेश्चन, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है, यानी गलत है? सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक? सही जवाब क्या होगा? इसमें असत्य क्या है बताइए। अभी सबको बराबर आवाज आ रही है, पोल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को भी? किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई? होगी तो बता दीजिएगा, क्योंकि सबको डिफरेंट प्रॉब्लम आते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही। ठीक है,
आपको दिखाते हैं आपका एक बार लीडर बोर्ड। वेट, हेलो शमीम, हाउ आर यू? सद्दाम फर्स्ट पे है, सेकंड पे वीरेंद्र है, थर्ड पे विकास है, फोर्थ पे रूमी है, फाइव पे अंजनी है, सिक्स पे दीपेश है, सेवन पे मनीष है, एट पे दिव्या है, नाइन पे अंजलि है और टेन पे सोनू है। अगला क्वेश्चन, नाना फडणवीस का बचपन का नाम क्या था? बाजीराव, माधव गायकवाड़, बालाजी जनार्दन भानु, शिवाजी टू, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए सही जवाब क्या होगा। 40 क्वेश्चन के बाद साइंस के क्वेश्चन आएंगे जो बाइलिंगुअल रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे। और जो भी क्लासेस का रूटीन आएगा, शेड्यूल आएगा, आपको हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, आप उसको एनरोल कर लीजिएगा। बालाजी जनार्दन भानु, ठीक है, प्लस क्लासेस के जो भी आएंगे। हेलो फाइजा, भारत में पहली बार रेल लाइनों का निर्माण किन नगरों के बीच 1853 में किया गया? मुंबई टू थाने, केरल टू मद्रास, कलकत्ता टू आगरा, मद्रास टू कोलकाता, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए क्या होगा सही जवाब। जैसे ही क्लास प्लस क्लास कोर्स बनता है हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, सब लोग उसको एनरोल कर लीजिएगा। और जो भी क्लास है, रानी हवी यू, इसका सही जवाब मुंबई टू थाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों का पुनरुत्थान किसे कहा जाता है? रामकृष्ण परमहंस को, रामानुज को, स्वामी दयानंद सरस्वती को, स्वामी विवेकानंद को, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए सही जवाब क्या होगा। नेट का इश्यू हो रहा है इसलिए पोल नहीं जा रहा है, पोल जाने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है बिकॉज ऑफ नेट, इंटरनेट स्लो है। इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? नैनी, यरवदा, सेल्यूलर जो पोर्ट ब्लेयर में है, आगा खान पैलेस, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए किनको कहा था इन्हें मंदिर का संज्ञा दी। चौवन परसेंट का आंसर, अभी बहुत कम परसेंटेज है आंसर का, बहुत कम परसेंटेज है। इसका सही जवाब हो जाएगा यरवदा जेल। अगला क्वेश्चन, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? माउंटबेटन, रेडक्लिफ, जेम्स वोल्ट, रिचर्डसन, इनमें से कोई नहीं या फिर सदी। हेलो सही जनवर, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये क्वेश्चन 100% के लिए कोशिश कीजिएगा, 100% आंसर कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन, 100% आंसर कीजिएगा। 60% भी नहीं पूर रहा है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हमेशा ऐसे ही गलत होते रहेंगे, ठीक है। इसलिए प्लस में पढ़िए, अनअकैडमी का प्लस लेके आ रहा नेक्स्ट महीने से कोर्स, उसमें पढ़िए। हेलो पिंकू, उसमें आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, गलत होने का चांसेस कम बनेगा। पीटी तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में मेंस भी निकलेगा, ठीक है। प्लस में पढ़िए, इस कोड को यूज कीजिए, 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। इसका सही जवाब रेड क्लिफ। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया है? जावेद अख्तर, प्रदीप द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली चरण गुप्त द्वारा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए सही जवाब क्या होगा। ऐसा नहीं हो कि न्यू ईयर स्टार्ट हो जाए और आप प्लस लेना चाह रहे हैं और ले नहीं पाए, तो ईयर खत्म होने से पहले सब्सक्रिप्शन कन्फर्म कर लीजिए, इस कोड को ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए और 10% का डिस्काउंट भी लीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रदीप के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याग्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? घोषा ने, अपाला ने, मैत्रेयी ने, गार्गी ने, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए सही जवाब क्या होगा। आप खुद अपने स्कोर को देखिए, अपने अपने परसेंटेज को देखिए, उसके हिसाब से खुद सोचिए आपको प्लस में क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा गार्गी। हेलो विमलेश, हेलो नवीन, बौद्ध धर्म से समाज के दो वर्गों को, हेलो मुकेश, दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे वणित एवं पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्ध एवं व्यापारी, स्त्री एवं शूद्र, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। हेलो संतोष, हाउ आर यू, बताइए सही जवाब क्या, फटाफट आंसर कीजिए।
क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा स्त्रियां एवं शूद्र। ठीक है, स्त्रियां एवं शूद्र। हेलो रोशनी है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? दिव्य वदान, दोहा कोसा, वज्र छेदिका, बामसा था पाकिसिनी, या इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। बताइए सही जवाब क्या होगा। सबसे बाद वाला पुस्तक है ये। हंड्रेड परसेंट नहीं, नॉट इवन 90%, बहुत कम पोल है, बहुत कम परसेंटेज है। बाम साथ पाकिसिनी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गुड इवनिंग रोशनी। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुम्बद का गुम्बदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? हेलो अमृता व्यू। स्तूप कहते हैं, धर्मादेश कहते हैं, अस्तम कहते हैं, एकाश्मक कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। जो लोग अभी बीपीएससी एग्जाम देने जा रहे हैं, दरोगा देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन गलत तो नहीं होना चाहिए अगर आपने तैयारी कर ली है तो। परसों आपका एग्जाम है, अभी आपके परसेंटेज से पता चले कितना आपने आंसर किया है। अभी 90%, नॉट इवन 90%। देखिए स्तूप बोला जाता है इसको, स्तूप। चलिए इसका सही आपको दिखाते हैं लीडर बोर्ड। वीरेंद्र फर्स्ट पे है, सेकंड पे सद्दाम है, थर्ड पे विकास है, फोर्थ पे रूमी है। विपुल, अगर वीडियो दिखाई नहीं दे रहा ठीक से तो आप अपने क्वालिटी को थोड़ा कम कर लीजिए, उससे आपका वीडियो सही हो जाएगा। रूमी फोर पे है, फाइव पे मनीष है, सिक्स पे दिव्या है, सेवन पे दीपेश है, एट पे अंजनी है, नाइन पे अंजलि प्रताप है, और टेन पे कृष्णा प्रसाद है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो का विषाणु वायरस शरीर में किस प्रकार प्रवेश करता है? मच्छर के काटने से प्रवेश करता है, किलनी के काटने से प्रवेश करता है, या संदूषित खाद्य और पानी से, या लार और नाक के श्राव से, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। बताइए सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा संदूषित खाद और पानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसीडर्म यानी मध्य त्वचा से आच्छादित शीर गुहा को डैश कहते हैं? परगुहा, कोडेंटा, या फिर ऑर्थोपोडा, या फिर प्लेटी हेमनिस, प्लेटी हेलमिनिथिस, या इनमें से कोई नहीं, फिर से अधिक। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। आज पता चलेगा कि फुल लेंथ टेस्ट में किसके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने कम क्वेश्चन सही हुए किसके। इसका सही जवाब हो जाएगा पगुहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? हृदय के आधार में, मस्तिष्क के आधार में, गर्दन पे। हेलो रूही, गर्दन में, उदर में, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। बताइए ये कहां होती है। वेट, शमीम पोल नहीं जा रहा है, वेट कीजिए एक बार, सिस्टम प्रॉब्लम है, सर्वर का प्रॉब्लम, नहीं जा रहा है पोल। गया पोल, गया आप लोगों को पोल, गया आप लोगों को। पोल गया क्या? नॉट वर्किंग। वेट, नहीं जा रहा है पोल अभी। वेट, एक मिनट वेट कीजिए, एक मिनट वेट कीजिए। ठीक है, हम लोग फिर से इस क्वेश्चन पर लौटते हैं, वेट कीजिए एक बार, हाँ रिफ्रेश करने दीजिए। वेट,
वेट वेट वेट, वर्क वर्क हो रहा है, रिफ्रेश किया है, वो वर्किंग में है। हेलो जी, आप वी हो? ये भाई जरा रुकिए, और प्रतिमा हम भी वही कर रहे ना, अपलोड हो तब तो पहले, हम भी तो वही कर रहे ना, हम आपके लिए सेवा में तत्पर है। अब यहां से वेबसाइट वर्क नहीं कर रहा तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? इंटरनेट इंटरनेट वगैरह सब सही है, बस यहाँ अनअकैडमी का वेबसाइट काम नहीं कर रहा है। रिफ्रेश ही कर रहा हूँ, रिफ्रेश ही कर रहा हूँ। हाँ एकदम, बुक पढ़ना होगा भारती, मेंस में पढ़ना होगा आपको, बिना पढ़े कैसे होगा? अरे भाई अगले महीने से टेस्ट आ रहा है ना, अगले महीने से टेस्ट तो आ ही रहा है, आपके क्लासेस तो आ ही जाएंगे अगले महीने से, अगले महीने से क्लासेस आ ही जाएंगे ना। हेलो वेट वेट, क्वेश्चन तो आ जाए पहले संगीता, पहले क्वेश्चन तो हो जाए, अपलोड हो जाए, नॉट वर्किंग। हाँ मे बी, हो सकता है, नो नो, बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। सर्वर डाउन हो जाता है ना, नहीं हो रहा है ना, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना, हम तो लाइन पे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है इस पे। ये काम नहीं कर रहा है, वेट वेट वेट। बता रहा हूँ बता रहा हूँ, बताओ, वेट कीजिए थोड़ा, बता रहा हूँ। पहले क्वेश्चन तो अपलोड हो जाए फिर ना आंसर कीजिएगा। थोड़ा एक दो मिनट वेट कर लीजिए, मे बी प्रॉब्लम हो रहा हो। अच्छा खासा रफ्तार में चल रहा था, पता नहीं रफ्तार को किसी नजर लग गई। ये वाला क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन हो रहा था ना, हम लोग इसी क्वेश्चन पे थे ना।
चलिए आपका पोल में आ गया, पोल अभी आंसर करेंगे ठीक है। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? हृदय के आधार में, मस्तिष्क के आधार में, गर्दन में, उदर में, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? बताइए सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा मस्तिष्क के आधार में, द एट द बेस ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो शालिनी, संचारित प्रणाली की खोज, हेलो विक्रम, किसने की थी? थॉमस एडिसन ने, विले हार्वे ने, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट वायलेंस ने, इनमें से कोई नहीं या फिर एक सही? बताइए सही जवाब क्या होगा। यूट्यूब पे भी लोग क्लास कर रहे हैं ना। इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम हार्वे ने। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ा श्वेत रुधि रानु है कौन सा? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, एरिथ्रोसाइट, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? बताइए सही जवाब क्या होगा। अभी इंटरनेट नहीं चल रहा है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सर्वर नहीं चल रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? कार्बन है, आयन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर एक से? बताइए। बोल गया आप लोगों को। हेलो रामकृष्ण, अगेन प्रॉब्लम। हेलो रीमा, हाउ आर यू? वेट वेट, आई एम ट्राइंग। अभी देखिए बोल गया, बताइए आंसर क्या होगा। गया ना बोल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो जाएगा ठीक है। हाँ जी, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? प्रकाश मापी, उताप मापी, शुष्क शुष्क आर्द्रता मापी, या तनाव मापी, यानी उससे कोई नहीं है फिर एक से अधिक? आई थिंक ये क्वेश्चन कन्वर्ट नहीं हुआ होगा। जा रहा बोल, जा रहा अभी अभी बोल जा रहे सबको। इसका सही जवाब हो जाएगा तनाव मापी। बोल जा रहा है सबको, जा रहा है यस या नो? बोल जा रहा है कि नहीं अभी? निम्नलिखित में से कौन सा एक धूम कोहरे का घटक नहीं है? परिवर्तनशील जैविक यौगिक, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? बताइए। अगर जा रहा है पोल तो बताइए कि पोल जा रहा है आप लोगों को। गुड, वेरी गुड, सही जवाब हो जाए क्लोरीन ऑक्साइड। जलीय जीवों में नाइट्रोजन विनियम का अंततः उत्पाद होता है N2, अमोनिया, CO2, यूरिया, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? बताइए सही जवाब क्या होगा। गुड, वेरी गुड, इसका सही जवाब हो जाएगा अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है क्या है? स्टार्च है, सुक्रोस है, फिर फॉस्फोगिली सेरिक अम्ल है, या ग्लूकोस है, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? बताइए सही जवाब क्या होगा।
हो सकता है कभी कभी वर्क हो रहा होगा वेबसाइट पर, इसलिए प्रॉब्लम होता है, क्रिएट हो जाता है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फॉस्फोग्लिसेरिक अम्ल। ठीक है, थोड़ा नेट का सर्वर का प्रॉब्लम है तो मे बी लेट जाएगा पोल। ठीक है, डोंट वरी, पोल भी लेट जाएगा, कमेंट में थोड़ा आंसर भी लेट आएगा, प्रॉब्लम है थोड़ा सर्वर का, अब लीडर बोर्ड भी जनरेट नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को एक नत समतल पर नीचे धकेला जाए या उद्वादर रूप से ऊपर उठाया जाए, चिकने रोलर पर ढकेला जाए, एक समतल क्षैतिज सतह पर खींचा जाए, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकने रोलर पर ढकेला जाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित की जा सकती है? क्या की जा सकती है? ध्रुवित किया सकती है, ध्रुवित लिखा भाई, वायु में ध्वनि तरंग, एक धागे पर अनुदैर्ध्य तरंग, या एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंग, या प्रकाश तरंग, या इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए सही जवाब क्या होगा? आज पता नहीं क्या हो गया, सब लोग रेडी थे आज कि आज जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और पता नहीं किसकी नजर लग गई और सारे के सारे जो है चले गए। फिर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रकाश तरंगे। प्रावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण प्रावर्तन कोण से अधिक होता है, आपतन कोण प्रावर्तन कोण से कम होता है, आपतन कोण सदैव प्रावर्तन कोण के बराबर होता है, दोनों कोण सदैव असमान होते हैं, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए सही जवाब क्या होगा? ईशा जो है पूरा फॉर्म में है, 1.2 सेकंड में आंसर कर दिया विक्रम, ईशा और आरती ने, वेरी गुड। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी, आपतन कोण प्रावर्तन कोण से अधिक होता है। आरती, हाँ सिस्टम पे कोई भरोसा नहीं। टीका यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स सिम्पसन ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, क्रिश्चियन बोनाट ने, या इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए किसने किया था? मशीनरी चीजों पे भरोसा नहीं कर सकते, वो कब हैंग हो जाएगा कब ब्रेकडाउन हो जाएगा कोई मतलब नहीं बनता उसका। इसका सही जवाब हो जाएगा एडवर्ड जेनर। क्या हमने सी पे किया? क्या हम नहीं समझे बात? हेलो रूबी, हमने सी पे क्या किया? हेलो निरंजन, 63 का, अच्छा हाँ मतलब नहीं नहीं ये मिस्टेक है, इसको काट दीजिए ना जल्दी जल्दी में। आपतन कोण से ज्यादा परावर्तन कोण के बराबर, तो ये आंसर हो जाएगा, डोंट वरी कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर के द्वारा क्या पता लगाते हैं? प्रतिरोध, ऊर्जा, धारा, ताप, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए सही जवाब क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही जवाब हो जाएगा धारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अभी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तांबा, चांदी, जस्ता, शीशा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए। मेरे साथ तो ठीक चल रहा है, अभी आप लोग को चेक करना पड़ेगा, नेट का प्रॉब्लम, यहाँ ठीक चल रहा है अभी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? चांदी यानी सिल्वर, गुड, वेरी गुड। एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास दो गोलक हैं, ए और बी, वह एक गोलक को नीचे की ओर गिराता है, उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से समस्तर पर फेंकता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
दोनों ही गोलक, आई थिंक करंट को लिख दिया गया है सेक्शन कहां पर, वेयर। अच्छा हाँ, ये इसको वो कन्वर्ट कर देता है, वो अपने हिसाब से कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर महोदय की बात है, उसको ध्यान नहीं देना है। अगर आप समझ पा रही तो ठीक है। दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, गोलक ए भूमि पर पहले पहुंचेगा, गोलक बी भूमि पर पहले पहुंचेगा, प्रश्न अपूर्ण है क्योंकि गोलकों की संहिता नहीं दी गई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से बताइए सही जवाब क्या होगा। गुड, वेरी गुड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों ही गोलक पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगा। अगला क्वेश्चन, त्वरण मात्रक है किसका, त्वरण का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड, सेकंड सेकंड स्क्वायर पर मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं है फिर एक से अधिक। क्या हो गया, अभी नहीं जा रहा आपको पोल, नहीं जा रहा संगीता, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए ना, इनको भी पोल में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, एक बार रिफ्रेश कीजिए ठीक हो जाएगा। सर्वर प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम होगा, अभी एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, रिलॉग इन कर लीजिए ठीक हो जाएगा। सर्वर प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम आएगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, ताप गतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किसके संबंध, किससे संबंध मामला है, चार्ल्स नियम, न्यूटन के शीतलन नियम, ऊष्मा विनिमय के नियम, या ऊर्जा के संरक्षण नियम, या इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। बताइए सही जवाब क्या होगा, फटाफट कर लीजिए, बहुत टाइम ऐसे ही वेस्ट हो गया है। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऊर्जा के संरक्षण के नियम। अगला क्वेश्चन, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकाश का तीजु रिजु रिजु रेखीय लिखा हुआ है, ठीक है, ये रिजु रेखीय लिखा हुआ है, रिजु रेखीय संरचन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताइए सही जवाब क्या होगा। अभी सबको पोल जा रहा है, आवाज आ रही है, वीडियो सब क्लियर दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही किसी को भी, सब क्लियर है, बराबर है। लीडर बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आप लोगों को लीडर बोर्ड दिखाई दे रहा है, इट्स नॉट वर्किंग। चलिए लीडर बोर्ड अभी आया, अभी दिखाई दे रहा है सबको। सद्दाम फर्स्ट पे है, सेकंड पे रूमी है, थर्ड पे विक्रम है, फोर्थ पे सलीम है, फाइव पे दिव्या है, सिक्स पे अंजलि है, सेवन पे वीरेंद्र है, एट पे अंजनी है, नाइन पे मनीष है, और टेन पर दीपेश है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिया सलाई की नोक में होता है क्या, पीडीएफ, पीडीएफ आपको मिलेगा क्लास खत्म होने के आधा घंटा के बाद, या डाउनलोड कर लीजिएगा संगीता, हर क्लास का पीडीएफ मिलता है, चाहे वो प्लस हो, सबका मिलता है, डोंट वरी, क्लास के आधा घंटा के बाद सबका पीडीएफ मिलता है। दिया सलाई की नोक में होता है क्या, फास्फोरस पेंट्रोक्साइड, स्वेस फास्फोरस, या फिर लाल फास्फोरस, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, या इनमें से कोई नहीं, या फिर एक सदी, या हेलो के बताइए सही जवाब क्या होगा। हेलो अविनाश, हाउ आर यू, इसका सही जवाब हो जाएगा लाल फास्फोरस। अगला क्वेश्चन, 10 मोल जल का द्रव्यमान है 18 ग्राम, 180 ग्राम, 90 ग्राम, 45 ग्राम, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक, क्या हाल चाल है बताइए। सही जवाब हो जाएगा 180 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में प्रयुक्त किया जाता है, चारकोल, ग्रेफाइट, गंधक, फास्फोरस, इनमें से कोई नहीं, एक्सिडिक, ये बच्चे वाला क्वेश्चन है, तो 100% आंसर कीजिएगा।
बच्चे क्लास में पढ़ी होंगे सब लोग, 7-8 क्लास में, तो 100% आंसर कीजिएगा। और अभी भी आंसर हो रहा है 87%। सोचने वाली बात है, आपको सोचना आप चाहिए खुद के लिए, क्यों नहीं पढ़े आप। ग्रेफाइट आपको प्लस में पढ़ना चाहिए, प्लस में पढ़िए। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता के को कम करती है और शांति प्रदान करती है? दुश्चिंता होता है दुश्चिंता, ठीक है, प्रशातक, मूत्रल या पीड़ा हरक, या फिर एंटी एंटी हिस्टामिन, या इनमें से कोई नहीं, फिर एक से अधिक। जैन अभी आई थिंक देखिए प्रॉब्लम हो रहा है सर्वर का, मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्वर का प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। किन्हीं को नेट नहीं जा रहा है, किसी को पोल नहीं जा रहा है, किसी को आवाज नहीं जा रहा है, हम खुद परेशान हैं इस चीज को लेके। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशांतक। क्या हो जाएगा? प्रशांतक। अगला क्वेश्चन, सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत होता है? जीरो, 31 से 46, 40%, 80%, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। हम भी कुछ नहीं कर सकते इसके लिए, बहुत देर से हम ट्राई कर रहे हैं लेकिन इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दैट्स व्हाई आई एम अनेबल टू डू एनीथिंग फॉर यू, सॉरी फॉर दैट, एक्सेप्ट दिस आई डोंट हैव एनी वर्ड टू एक्सप्लेन माई पेन माई प्रॉब्लम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जीरो। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है? U-235, U-238, U-234, U-236, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा U-235। हेलो चीमा, हाउ आर यू। अगला क्वेश्चन, वैसे पदार्थ जो दहन प्रक्रिया में ऊर्जा के रूप में ऊष्मा प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं? सीएनजी, या फिर इग्नाइटर या प्रज्वलक जिसको बोलते हैं, ईंधन, ऊष्मक, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। बताइए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ईंधन यानी फ्यूल। आई एम चिल, आई विल बी कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? एवोगाड्रो ने, एवोगाड्रो होता है, ठीक है, एवोगाड्रो, डाल्टन ने, न्यूटन ने, पास्कल ने, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। हाँ रेशमी, नेट स्लो है, प्रॉब्लम हो रही है। कभी कभी होता है ऐसा, डोंट वरी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयन को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? एनिलन, ऑनिलन, ग्रीस लगाना, जस्ता चढ़ाना, पेंट करना, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक सदी। बताइए सही जवाब क्या होगा। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, पोल क्रिएट ही नहीं हो रहा है, बहुत बार हम ट्राई कर रहे हैं तब 3 से 4 बार में एक पोल क्रिएट हो रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑनिलन, ठीक है। हेलो रंजन, साइंस का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस सोल का उदाहरण है? मैग्नीशिया मिल्क, फोम, रंगीन पत्थर, रबर, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। ये लास्ट क्वेश्चन है साइंस के सेक्शन का, फिर हम लोग दूसरा टॉपिक पे चले जाएंगे, टॉपिक चेंज हो जाएगा। लीडर बोर्ड भी जनरेट नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है क्या आंसर होना चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा रंगीन पत्थर। क्या हो जाएगा? रंगीन पत्थर, सी इज द राइट आंसर।
लीडर बोर्ड शो हुआ आप लोगों को? एनीबॉडी, किसी को लीडर बोर्ड शो किया? नहीं किया? आया, अभी आया। सद्दाम फर्स्ट पे है, सेकंड पे सलीम है, थर्ड पे रूमी है, फोर्थ पे दिव्या है, फाइव पे विकास है, सिक्स पे अंजलि, सेवन पे मनीष, एट पे अनामिका है, नाइन पे अंजनी है और टेन पे वीरेंद्र है। ठीक है, तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? आलोचना के अधिकार पर, एकत्र होने के अधिकार पर, निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर, संपत्ति के अधिकार पर, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? बताइए, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? बोल गया आप लोगों को? नहीं गया? इसका सही जवाब हो जाएगा आलोचना के अधिकार पर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इनमें से कोई नहीं या फिर से अधिक? सिद्धार्थ नहीं किया था, पोल नहीं किया था अभी, पोल तो दिया था मैंने भी जस्ट। क्या करें हम, अभी पोल ही नहीं जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अब आया ना, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? बताइए सही जवाब क्या होगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम था सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन, किसने ये कहा कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं? जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? ये किसने कहा था? इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी जी। ठीक है, आई डोंट थिंक कि आपको ज्यादा क्वेश्चन हम करा पाएंगे क्योंकि नहीं हो पा, नहीं चल पा रहा है, बीच में ही रोकना पड़ेगा। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु होता है, किसने कहा था? मॉन्टेस्क्यू ने कहा था, मॉन्टेस्क्यू ने कहा था, हेलो प्रिंस, या एजेंस ने कहा था, सोफिस्ट्स ने कहा था, अरस्तू ने कहा था, इनमें से कोई नहीं अपेक्षित थी? बताइए, ये मॉन्टेस्क्यू लिखा हुआ है। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू लिखा हुआ है। हमको नहीं लगता कि ये क्लास ज्यादा देर तक चल पाएगा, हम लोग को रोकना पड़ेगा आज बीच में। इसका सही जवाब हो जाएगा अरस्तू। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 64 वर्ष, 65 वर्ष, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? बताइए, पोल गया? गया सबको पोल गया? यही तो दिक्कत हो रही है ना, पोल जा ही नहीं रहा, बहुत देर के, तीन चार बार प्रैक्टिस करने के बाद जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा 65 इयर्स। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकसभा के लिए अधिकतम सीटें निर्धारित है कितनी? 545, 552, 560, 550, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? बताइए, देखिए, दो सीटों का जो लोकसभा में था उसको खत्म कर दिया गया है, एंग्लो इंडियन वाला, लेकिन 552 में ये निर्धारित नहीं किया गया है कि 552 सीट होगी या 550 अधिकतम रहेगी, वो अभी तक रिवील नहीं किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहां से ग्रहण की गई है? अमेरिकी संविधान, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान, स्विस संविधान, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या होती है? हेलो सम्यंद्र, तो ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया आपका ब्रिटिश संविधान से। पोल नहीं गया, फिर नहीं गया ना पोल, यही प्रॉब्लम हो रही है, मैं सब बता रहा हूँ ना, यही पोल जनरेट नहीं हो रहा है, ना ही जा रहा है, कभी जनरेट हो रहा तो जा नहीं रहा, कभी जा रहा तो जनरेट उसके जनरेट नहीं हो पा रहा है। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, बी एन रॉ, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। बताइए, नहीं वर्क कर रहा, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दैट्स व्हाई आई हैव टू स्टॉप दिस क्लास राइट हियर राइट नाउ। आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, नहीं कर पा रहे हैं आप लोग भी। बोल तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग चार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नहीं जा रहा है पोल, नहीं जा रहा है पोल, ये लास्ट क्वेश्चन है, कर लीजिए, क्लास को रोकना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, ये लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, इसके हम लोग क्लास को रोक देंगे, क्लास नहीं बढ़ पाए आगे, बहुत सर्वर प्रॉब्लम है। भारतीय संविधान का भाग चार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संघ से, राज्य से, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। बताइए सही जवाब क्या होगा। अगर पोल जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो आप कमेंट में आंसर कर देंगे, हम देखते हैं, अगर जनरेट नहीं होगा तो आपको बोलेंगे कमेंट में आंसर करना। ठीक है, हम जब बोलेंगे तभी कीजिएगा। बोली अनामिका, व्हाट, क्या क्या हो गया? क्या हो गया बोलिए, रॉन्ग पोल, कहां से रॉन्ग पोल है? कौन सा पोल चला गया? भाग चार में क्या जाता है? डीपीएसपी, तो क्या पोल ये नहीं दिए थे? पोल क्या दिए थे? डीपीएसपी तो दिए थे, इसको डीपीएसपी बोलते हैं, ये नहीं दिया था, पोल सी दिए थे। यही प्रॉब्लम हो रही है, कोई पोल पहले का बाद में जा रहा है। हेलो लकी, कीजिए आंसर पोल में। सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी बोलते हैं इसको। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर है? पृथ्वी पर, सूर्य पर, जुपिटर पर, चंद्रमा पर, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। बताइए, आप जब चांद देखते होंगे तो वहां पे काले काले धब्बे दिखते होंगे। ठीक है, दैट इज सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सही जोड़ियां बनाइए, हीराकुंड परियोजना पश्चिम बंगाल, हल्दिया रिफाइनरी उड़ीसा, तारापुर परमाणु केंद्र कर्नाटक, कुद्रेमुख पहाड़ियां महाराष्ट्र। ऑप्शन है 2, 1, 3, 4।
एक दो चार तीन, दो एक चार तीन, या एक दो तीन चार में से कोई नहीं अपेक्षा थी। हेलो नाइला, हाउ आर यू? बताइए सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2143। अगला क्वेश्चन, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है कहां से? पलामू के पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। बताइए सही जवाब क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्थ से लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग कौन सा है? पर्थ मुंबई, रोम लंदन, पर्थ अंकारा, पेरिस लंदन, पर्थ अदन, पेरिस लंदन, पर्थ मुंबासा, रोम लंदन, इनमें से कोई नहीं फेंक सकती। पर्थ से लंदन का सबसे छोटा हवाई मार्ग कौन सा ये बताना है आपको। बताइए। वेरी गुड शुभम, सतीश, वेरी गुड। इसका सही जवाब हो जाएगा पर्थ अंकारा, पेरिस लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशालतम महासागर है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तर ध्रुवीय आर्कटिक महासागर, या फिर प्रशांत पैसिफिक ओशियन, यानी में से कोई नहीं, यानी में से कोई नहीं, एक फिक्स दे। हेलो नैन्सी, हाउ आर यू? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, सदाबहार किस्म के वन यहाँ पाए जाते हैं कहाँ? मानसून जलवायु क्षेत्र में, मरु क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं, या फिर सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, पीला रंग, मझोला कद, एपिकैन्थिक फोल्ड, बाली, तिरछी आंख किसका अभिलक्षण है? ऑस्ट्रोलाइट का, निग्रोइड का, मैंग्लोलाइट का, या कैंसो कैंकोसाइट का, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। बताइए सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मैंगोलाइट का। महाद्वीपीय संहित मुख्य रूप से और एल्यूमिना जैसे डैश खनिजों से बनी है? आयरन ऑक्साइड, सिलिका, पानी, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। बताइए सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा इसका सिलिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉर्सिका द्वारा है, हेलो कुश, कॉर्सिका द्वीप संबंधित है मोसोलिनी से, हिटलर से, नेपोलियन बोनापार्ट से, विंस्टन चर्चिल से, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। बताइए सही जवाब क्या होगा। कॉर्सिको द्वीप का संबंध किससे है? नेपोलियन बोनापार्ट से। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी बचाओ का आयोजन किया गया? यूनेस्को ने, यूएनसीईडी ने, डब्ल्यूएचओ ने, यूनिसेफ ने, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। बताइए सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा यूएनसीडी।
चलिए पहले आपको लीडर बोर्ड दिखा देते हैं एक बार, उसके बाद बताते हैं आंसर इसका। लीडर बोर्ड आया आप लोगों को, रिवर्ट शो कर रहे हैं। शो किया लीडर बोर्ड कर रहे हैं शो। हमको नहीं दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पे शो नहीं कर रहा है UNCED ने, ठीक है अब यहाँ पे शो नहीं कर रहा लीडर बोर्ड। आप लोग देख लीजिए लीडर बोर्ड, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। जब तक कुकी किस राज्य से संबंधित है, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए कुकी किससे संबंधित है। बताइए क्या होगा सही जवाब। किससे संबंधित है, मणिपुर से। हेलो प्रिंस, अगला क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, आणविक है या फिर तापीय है या फिर जल विद्युत है या सौर है, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए सही जवाब क्या होगा। बोल गया आपको, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तापी, ठीक है। सर्वर डॉन एन अकेडमी कैसे प्रॉब्लम हो रहा था। अन्नाई मुड़ी शिखर यहां स्थित है, सह्याद्री में, पूर्वी घाट में, नीलगिरी पहाड़ियों में, पालनी पहाड़ियों में, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए। सह्याद्री में अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, सबसे लंबी नदी, गुड वेरी गुड, सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, गोदावरी। अगला क्वेश्चन, भारत में समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है, नोकरेक, मन्नार की खाड़ी, मानस, सुंदरवन, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, क्या होगा सही जवाब बताइए। इसमें सही जवाब हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश में कौन सा स्थान है, 14, 13, 12, 7 या इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए सही जवाब क्या है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, 13th है, ठीक है 13वां है। अगला क्वेश्चन, 1830 के दशक में पटना नगर किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र था, नील, बहावी, खेड़ा, चंपारण, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए। पटना जो केंद्र बना हुआ था बहावी आंदोलन का। अगला क्वेश्चन, राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधानमंडल के अध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, राज्य मंत्री परिषद पूछा, बताइए। सही जवाब हो जाएगा मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन, इल्तुतमिश ने बिहार में किसे अपना प्रथम सुभेदार नियुक्त किया था, मलिक महमूद को, मलिक जानी को, गजनवी को, इख्तियारुद्दीन को, इनमें से कोई नहीं या फिर एक सदी, बताइए सही जवाब। पास बन सके सब लोग तेजी में 5 सेकंड के अंदर आंसर कर दीजिए, ठीक है टाइम ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका ऑलरेडी, 1 घंटे का सेशन होता है ना। सही जवाब हो जाएगा मलिक जानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा नाट्य जट जाटिन के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तालपासा,
भकुली, बंका, जुलेबी, माकुली, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा भाकुली बंका। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं, बट इट्स नॉट वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशेश्वर पक्षी बिहार कहां अवस्थित है? मधुबनी, दरभंगा, बेगूसराय, समस्तीपुर, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक सही, बताइए सही जवाब क्या होगा। कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ है? कुशेश्वर पक्षी विहार जो स्थित है वो है दरभंगा में। अगला क्वेश्चन, ककोलत मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया जाता है? नालंदा, राजगीर, नवादा, हरनौत, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक, बताइए सही जवाब क्या होगा। आपको बता दें जो क्लास अभी हो रहा है सब लोग एक बार नोट कर लीजिए। 28, 29, 30 और 31 ये चार दिन तक दरोगा के लिए फुल लेंथ टेस्ट आएगा। ठीक है, फुल ये फ्री क्लासेस है, दरोगा का फुल लेंथ टेस्ट आएगा दिन में 10:30 बजे, नोट कर लीजिए इनको। 28, 29, 30 और 31, कल और परसों स्पेशल में कोई क्लास नहीं है, सिर्फ एक प्लस का क्लास आएगा। चंदन, हाँ जी, दरोगा पीटी के लिए भाई, 2021 दरोगा पीटी वाला, ठीक है, दरोगा पीटी के लिए आएगा 10:30 में फुल लेंथ टेस्ट आएगा, ये इसको कर लीजिएगा। इसके साथ साथ जनवरी 2021 से मेरा नया बैच आ रहा है दरोगा स्पेशल के लिए, और 67 में बीपीएससी के लिए भी आ जाएगा। जिनको भी प्लस नहीं लिया, जिन लोगों ने, वो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए फटाफट, और इस कोड को यूज कीजिए। इस कोड के थ्रू आप प्लस में ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बैच लॉन्च होगा, जो भी मैं बैच बनाऊंगा, कोर्स बनाऊंगा, आपको उसका जो लिंक है ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है, आप उसको एनरोल कर लीजिएगा, नोटिफाई भी कर लीजिएगा। और जिनको प्लस ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो रही है तो हमको हमसे पूछ लीजिएगा, हमको बता दीजिएगा, आपको बता देंगे कितना आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि न्यू ईयर स्टार्ट हो जाए, आप ज्वाइन करना चाह रहे थे प्लस कोर्सेज और आपने ज्वाइन नहीं किया, आपको ज्यादा अमाउंट पे करने पड़ रहे हैं वहां पर, तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, अभी वक्त है। इस कोड को ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए और 10% का डिस्काउंट भी ले लीजिएगा। इसके अलावा कोई दिक्कत होगी तो हमको बता दीजिएगा, हमसे पूछ लीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा नवादा। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO ने एक नई संशोधित श्रृंखला के अंतर्गत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, उसमें आधार वर्ष किसे माना गया? 160, 61, 70, 71 या 80, 81, 90, 91, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक, बताइए सही जवाब क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा 80, 81। ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत हो रही है, कुछ जानना चाह रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, तो हमसे पूछ लीजिएगा प्लस के बारे में, आपको बता देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं क्लास में जो आपको बता देंगे कैसे ज्वाइन करना प्लस। सही प्रकार के उत्पादनों की का बुनियादी उद्देश्य क्या है? मानवीय जरूरतों का पूरा करना, रोजगार उपलब्ध कराना, लाभ कमाना, भौतिक निर्गत बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। जो भी ग्रुप में भेजेंगे उसको एनरोल कर लीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा मानवीय जरूरतों को पूरा करना। अगला क्वेश्चन, नकद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है? ठीक है, मौद्रिक नीति, बटनीय नीति, व्यापार नीति या राजकोषीय नीति, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक, बताइए सही जवाब क्या होगा। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत सरकार, भारतीय मुख्य न्यायाधीश, भारतीय वित्त सचिव, भारत का प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक, बताइए सही जवाब क्या होता है, किसका हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के नोट पर।
सही जवाब हो जाएगा भारत के वित्त सचिव का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक बेसिक बुनियादी मतलब बेसिक होता है। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस आधारित थी? लियोनटिफ का इनपुट आउटपुट, या फिर हेराल्ड डोमर, या फिर महानोबिस, या फिर महानोबिस का चार यानी सेक्टर मॉडल, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। फर्स्ट जो पंचवर्षीय योजना थी वो किस पे आधारित थी? बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कोई गलत नहीं कीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी वो थी हेराल्ड डोमर पे। हेलो राइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिकांश कामगार न्यूनतम स्वीकार मजदूरी से कम पर कार्य करेंगे। न्यूनतम स्वीकार मजदूरी किसी फर्म द्वारा किसी कामगार को दी जाने वाली अधिकतम राशि है। आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार मजदूरी के बीच अंतर होता है। आर्थिक लगान वह राशि है जिसे वांछनीय श्रम बाजार में प्रवेश करने के लिए अवश्य अदा की जानी चाहिए, जिनमें से कोई नहीं या फिर एक सदी। बताइए सही जवाब क्या होगा। थोड़ा फास्ट कीजिए, टाइम नहीं है, एकदम टाइम खत्म हो चुका है, जल्दी जल्दी कीजिए आंसर, एकदम टाइम नहीं है अभी। सही जवाब हो जाएगा आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार मजदूरी के बीच अंतर होता है। अगला क्वेश्चन, जो जीएनपी होता है, नॉट जीएनपी, जीएनपी, जीएनपी माइनस राशन मूल्य ह्रास, ये क्या होता है? राष्ट्रीय आय, एनडीपी, एनएनपी, जीएनपी, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताइए सही जवाब। जीएनपी माइनस राशन मूल्य ह्रास इक्वल टू एनएनपी, नेट नेशनल इनकम। अगला क्वेश्चन, यदि कोई देश उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर और कोई उत्पादन नहीं करता है तो उसमें रहन सहन का दर्जा ऊंचा होगा। उसमें यदि ज्यादा नहीं होता तो उतना ही मात्रा में माल होगा। वह शीघ्र ही गरीब बन जाएगा यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा। वह धीरे धीरे धनी बन जाएगा यदि उसका विदेश व्यापार नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताइए सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वह शीघ्र ही गरीब बन जाएगा यदि उसका विदेशी व्यापार नहीं हो। सतम फर्स्ट पे है, सेकंड पे दिव्या है, थर्ड पे रूमी है, फोर्थ पे सलीम है, फाइव पे विकास है, सिक्स पे अंजनी, सेवन पे दीपेश, एट पे अंजनी, नाइन पे अनामिका है और टेन पे सिद्धार्थ है। क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक स्तर पर फैलने वाली बीमारी का नाम क्या है? हैजा, मलेरिया, कोरोना वायरस, हंता वायरस, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई गलत नहीं ही कीजिएगा। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, पांच सेकंड का पोल रहेगा, ठीक है, टाइम नहीं है ज्यादा, पांच सेकंड का पोल रहेगा, ठीक है ना। कोरोना वायरस। अगला क्वेश्चन, वह कौन सी योजना है, हेलो हैप्पी, वह कौन सी योजना जिसके तहत बिहार के सभी जिलों में इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएंगे? बिहार बढ़े, अफसर बढ़े, आगे बढ़े, बिहार बढ़े, देश बढ़े, सब बढ़े, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताइए सही जवाब क्या है। सिर्फ पांच सेकंड का पोल है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब हो जाएगा अफसर बढ़े, देश बढ़े। हेलो गीतांजलि अभी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत किस शहर ने साइम नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित की जिसका उद्देश्य क्वारंटाइन लोगों पर नजर रखना है? मुंबई, पुणे, हैदराबाद, भुवनेश्वर, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताइए। पोल विल बी अवेलेबल ओनली फॉर 5 सेकंड, यू हैव टू आंसर विद इन दैट लिमिटेड टाइम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पुणे। हेलो नूतन, हाउ आर यू। लाइसेनिया करेज, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? फिजी, स्पेन, जर्मनी, टर्की, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब हो जाएगा फिजी, फिजी इज द राइट आंसर। सब लोग पोल में फास्ट आंसर करेंगे। लॉकडाउन के बीच लोगों को आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने के लिए झारखंड द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताइए। झारखंड हाट, झारखंड ऐप, झारखंड बाजार, आरोग्य सेतु, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है झारखंड बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के तहत मलबरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए के लिहाज से कोसी अंचल के कितने जिलों को चुना गया है? 9, 10, 7, 5, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए सही जवाब। सही जवाब हो जाएगा 7, 7 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या थी? विज्ञान में महिलाएं, महिलाएं देश के साथ, महिलाएं विज्ञान के साथ या महिला हितवादी, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। फास्ट आंसर कीजिए, थोड़ा फास्ट आंसर कीजिए। विज्ञान में महिलाएं इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए अधिकतम भूमि सीमा कितनी है? 8 एकड़, 7 एकड़, कोई सीमा नहीं है, 5 एकड़, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए सही जवाब। कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटनाशक प्रबंधन बिल 2020 के अनुसार डिफॉल्टर कीटनाशक कंपनियों से वसूले गए जुर्माने तथा राज्य केंद्र सरकार के योगदान के से निर्मित फंड की राशि कितनी होगी? 25,000 करोड़ रुपए, 35,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए, 45,000 करोड़ रुपए, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए सही जवाब क्या होगा। 50,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने के लिए बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, पटना, जयपुर, पुणे, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए क्या होगा सही जवाब। न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की जिसके तहत जरूरतमंद परिवारों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस श्रेणी के बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अंतर्गत लाने की मंजूरी दी है? बहुराज्यीय कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक, प्राइवेट बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक, या इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, सही जवाब हो जाएगा बहुराज्यीय कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार बजट निर्माण प्रक्रिया के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर? असम है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, बिहार है, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। असम, असम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने आशुगंज अखौरा सड़क को 4 लेन हाईवे में अपग्रेड करने के लिए किस देश के साथ समझौते में हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, नेपाल, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। आशुगंज अखौड़ा सड़क को, बांग्लादेश इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एनआईसी टेक कॉन्क्लेव 2020 की थीम क्या है? टेक्नोलॉजीज फॉर नेक्स्ट जनरेशन गवर्नेंस या टेक्नोलॉजी फॉर नेक्स्ट जनरेशन या फिर टेक्नोलॉजी फॉर वीमेन या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से या फिर एक से अधिक, बताइए सही जवाब क्या होगा। सही जवाब हो जाएगा टेक्नोलॉजीज फॉर नेक्स्ट जेन गवर्नेंस के लिए। अगला क्वेश्चन, 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? लखनऊ में, नई दिल्ली, लंदन, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, सही जवाब हो जाएगा लखनऊ। बोल भाग गया, कहां भाग गया, पकड़ लीजिए कहां भागा। अच्छा, आगे भाग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, खेल और युवा मामले मंत्रालय द्वारा 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव युवा उत्सव का आयोजन लखनऊ में किया जाएगा, इसे किसके सम्मान में मनाया जाएगा? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, या इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए, पकड़ के रखिएगा पोल को। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन, हाल ही में TAESS उपग्रह ने जीवन की संभावना वाले बाहर ग्रह की खोज की है। TAESS उपग्रह को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? इसरो ने,
TNES ने, नासा ने, ARCS ने, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? पता ही सही जवाब हो जाएगा नासा। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने हाल ही में मनी ऐप लॉन्च किया है? मनी, IRDA, SBI या फिर RBI या NABARD या इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? मनी ऐप किसने लॉन्च किया है? RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य उत्सव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? रांची में, देहरादून में, न्यू दिल्ली, रायपुर, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? इसका सही जवाब हो जाएगा रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष एकल वर्ग 2019 में ITF वर्ल्ड चैंपियन किसने चुना गया? नोवाक जोकोविच, सीयूकी या सानिया मिर्जा या राफेल नडाल या इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? सलमान खान, बताइए फटाफट आंसर बताइए। 5, 6, 10, 9 क्वेश्चन और बचे हैं। सही जवाब हो जाएगा राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रोफेसर LS शेषगिरी राव का निधन हो गया, वो किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? तेलुगु, कन्नड़, भोजपुरी, उड़िया या फिर इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कन्नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार संचार के लिए कौन सी सुरक्षित मैसेजिंग ऐप विकसित कर रही है? GMST या ISMT, SMIG या फिर GIMS या इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? वेरी गुड, सही जवाब हो जाएगा जिम्स। ठीक है, जिम्स इज राइट आंसर। दक्षिण एशियाई साहित्य में DST पुरस्कार 2019 किसने जीता है? बताइए, अमिताभ बागची ने, मनु सिंह ने, अमिताभ घोष ने, आनंद कुमार ने, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? सही जवाब क्या हो जाएगा? अमिताभ बागची ने। अगला क्वेश्चन, अंगद वीर पोल नहीं जा रहा, फिर पोल नहीं जा रहा, सबको फिर प्रॉब्लम हो रही है। 5 क्वेश्चन और बचे हैं, किसी से कर लीजिए। अंगद वीर सिंह अंगद वीर सिंह बाजवा किस खेल से जुड़े हुए हैं? तीरंदाजी, क्रिकेट, वेट लिफ्टर, शूटिंग, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? आराम से कीजिए आंसर, टाइम दे रहे हैं आपको 15 सेकंड, डोंट वरी, आराम से कीजिए। अभी सब किए ना आंसर, इसका सही जवाब हो जाएगा शूटिंग। सब किए ना आंसर, अभी बोल गया सबको, गुड। किस क्रिकेट टीम ने 2019 MCC CMJ स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जीता? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, भारत, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, कल कोई क्लास नहीं होगा, कल प्लस में एक क्लास आएगा। जिन लोगों को क्लास करना है मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए, या जो भी ग्रुप में आपको मैसेज करेंगे आप उसको क्लास कीजिएगा, ठीक है? जिनको भी ऐड होना है वहां पर ऐड हो जाइए, ताकि आपको सारे मैसेज मिलते रहे, आप क्लासेस करते रहे। इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस कब मनाया जाता है? 8 अगस्त, 9 जून, 7 जून, 7 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? क्योंकि कल से क्लास नहीं है, परसों से आएगा क्लास, 28 से दुर्गा स्पेशल का फुल लेंथ, तो हर प्रत्येक दिन 10:30 बजे क्लास आएगा, मेरा आएगा ही आएगा, ठीक है? परसों से फुल लेंथ टेस्ट आएगा, जिनको करना वो कर सकते हैं। और जिन लोगों ने मुझे हैट डेडिकेट किया है उनके लिए बहुत बहुत उनका धन्यवाद, मुझे आपने हैट डेडिकेट किया, मैंने बताया नहीं था आपको, मुझे हैट मिला है, तो उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसका सही जवाब हो जाएगा 7 दिसंबर। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 139वां, 102, 129
146 इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। जो लोग प्लस में भी क्लास कर सकते हैं, मेरे कोर्स को जाके एनरोल कर लीजिए, वो कर सकते हैं और अगले महीने से आपके लिए दुर्गा के लिए स्पेशल बैच आ जाएगा। जिन्होंने प्लस नहीं लिया है फटाफट प्लस लीजिए, इस कोड का ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, नौसैनिक हथियारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी नव आर्म्स 19 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? लखनऊ, न्यू दिल्ली, बम्बई, इम्फाल, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, बताइए जवाब। सही जवाब हो जाएगा वाल्मीकि, न्यू दिल्ली। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, किस राज्य पुलिस ने ट्रैकिया नामक सॉफ्टवेयर का उपयोग शुरू किया है? दिल्ली, पंजाब, असम, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, सब लोग आंसर कीजिए। बाकी जिनको भी प्लस पे आना है, प्लस ज्वाइन करना है, स्पोर्ट को यूज करें, प्लस को यूज करें, ज्यादा ज्यादा प्लस पे आ जाइए। सही जवाब हो जाएगा हरियाणा। चलिए, सबसे पहले सद्दाम है, सेकंड पे दिव्या है, थर्ड पे रूमी है, फोर्थ पे सलीम है, फाइव पे दीपेश है, सिक्स पे अनामिका है, सेवन पे अंजनि है, एट पे अंजलि है, नाइन पे सिद्धार्थ और टेन पे विकास है। कॉन्ग्रेचुलेशन सद्दाम, और हर क्लास की तरह जो इस क्लास में टॉप होते हैं उनको दी जाती है मेरी तरफ से एक चमचमाती हुई ट्रॉफी। सद्दाम को मेरी तरफ से मिली एक ट्रॉफी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम लोग मिलते हैं कल प्लस के क्लास पे और बाकी 28 से फुल लेंथ टेस्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।